हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं W2 ट्रीटमेंट कैसे करते। गाइस, आज इस वीडियो में हम प्रॉपर क्लियर करेंगे W2 ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, वो एक किस हेयर पे किया जाता है और इसको करने के क्या क्या बेनिफिट है। इससे पहले जो हमने वीडियो में बात करी थी, वो बात करी थी हमने W1 ट्रीटमेंट। ये एक फ्लोराक्टिव का प्रोडक्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये ट्रीटमेंट फ्लोराक्टिव का है, जो इसका एक आता है W1, वो गाइस वर्जन हेयर पे किया जाता है, हिना कोटेड हेयर पे किया जाता है या एफ्रो कर्ली हेयर पे किया जाता है और वर्जन हेयर पे किया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है गाइस, ये प्री लाइटेड हेयर पे किया जाता है या फिर केमिकल ट्रीटेड हेयर पे किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटाइज हेयर है उस पर किया जाता है। बेसिकली इसका काम होता है हेयर को रिपेयर करना, बालों में जो फ्रिजनेस आती है उसको दूर करना, बालों में स्मूथनेस लाना और हेयर को अप टू 100% तक स्ट्रेट देना। याद रखना, क्लाइंट को आपको जब ट्रीटमेंट देना है तो आपको अप टू 100 बोल के देना है। क्लाइंट को प्रॉपर दावा नहीं करना है कि आपको 100% मिलेगा, इसलिए मैं आगे अप टू लगा रहा हूँ। तो अप टू 100% आपको इसमें हेयर स्ट्रेट मिल जाता है। और पर्सनली जो मैंने किया हुआ है इसकी, मैंने W1 की वीडियो भी डाली, अच्छा खासा स्ट्रेट मिल गया था, 90% हेयर स्ट्रेट अच्छा खासा मिल गया था। और रही बात, जब केमिकल ट्रीटेड होते हैं, जो प्रीलाइटेड हेयर होते हैं ना गाइस, तो केराटिन भी अच्छा खासा स्ट्रेट दे जाती है। जो सेंसिटाइज हेयर होते हैं उन पर अच्छा खासा स्ट्रेट मिल जाता है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं कि इस ट्रीटमेंट को कैसे किया जाता है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जो W2 ट्रीटमेंट है, मैंने आपको बता दिया फ्लोराक्टिव का ट्रीटमेंट है। इसको हम कैसे करते हैं गाइस, केमिकली कलर ट्रीटेड हेयर पे करते हैं। और कैसे करना है, फर्स्ट जो स्टेप है आपको हेयर को वॉश करना है। ठीक है गाइस, वॉश आपको कब करना है, जब बालों में ऑयल लगा हो, थोड़ा ग्रीजी हो, या बिल्कुल मतलब क्लाइंट ने काफी दिनों से वॉश नहीं किया, मतलब बालों में नेचुरल ऑयल भी आ रखा है, हेयर ग्रीसी होती है, तो गाइस तब जाके आपको वॉश करना है। ऐसे जो W2 ट्रीटमेंट जो करते हैं गाइस, उसमें नेसेसरी नहीं है वॉश, लेकिन कंपनी जो कहती है इसमें नेसेसरी नहीं, लेकिन जो मैं कहता हूँ गाइस, एक बार वॉश आप कर ही लेना, क्योंकि आपको कभी एक बार हम कंफर्म नहीं होते कि हेयर कैसे है, क्या मतलब क्लाइंट ने होम रेमेडीज प्रोडक्ट बालों पे लगाया हुआ है, कई बार अच्छे से वॉश नहीं हो पाता घर पे, तो गाइस आपको एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है। और इन्हीं का ही शैम्पू आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्लोराक्टिव का। देन आपको वॉश करने के बाद गाइस, आपको कंडीशनर नहीं लगाना, क्यूटिकल्स हेयर की अच्छे से ओपन करनी है ताकि जो प्रोडक्ट है अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। देन आपको 100% ड्रायर करने हैं हेयर को, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट लगेगा वो ड्राई हेयर पर ही लगेगा। देन आपको इल्यूमिनेंडर स्प्रे लगाना है, वो इल्यूमिनेंडर स्प्रे किस तरीके से लगाना है आपको, सेक्शन बाई सेक्शन लगाना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको ये लगाना है, ये सीरम टाइप का होता है, और अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। देन आपको वेट करना है 3-4 मिनट का। देन चौथा जो स्टेप है, आपको अप्लाई करना है W2 ट्रीटमेंट। और गाइस, इल्यूमिनेंडर सीरम जैसे आपने वॉश किया है तो आप पहले इल्यूमिनेंडर स्प्रे लगा सकते हो या फिर ड्रायर भी कर सकते हो, लेकिन जो ऑफिशियली जो किया जाता है वो पहले ड्राई करते देन इल्यूमिनेंडर स्प्रे लगाते हैं। ठीक है गाइस, आप वेट हेयर पे भी लगा सकते हो, लेकिन सेंसिटाइज हेयर है उसको पहले अच्छे से ड्राई कर लेना, फिर स्प्रे लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देन आपको अप्लाई करना है W2 ट्रीटमेंट, सेक्शन बाय सेक्शन स्मूथ एप्लीकेशन करनी है, डैप डैप करके एप्लीकेशन करनी है, प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सेस में नहीं लगाना है, वरना आपको दिक्कत पड़ेगी। वैसे इसमें लेजी रिंस हैगा, लेकिन आपको क्यों ही मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट करना। और गाइस, आपको ट्रीटमेंट लगाने के बाद आपको 45-50 मिनट्स वेट करना है अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटाइज हेयर है तो आपको 45 मिनट्स वेट करना है, मतलब जितना सेंसिटाइज हेयर है और जितना वीक हेयर है। और गाइस, आपको ट्रीटमेंट लगाने के बाद आपको 45-50 मिनट्स वेट करना है अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटाइज हेयर है तो आपको 45 मिनट्स वेट करना है, मतलब जितना सेंसिटाइज हेयर है और जितना वीक हेयर है। पहली बात तो W2 जाता ही सेंसिटाइज हेयर पे रहे, तो आपको मतलब वेट कम ही करना है, मतलब आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा वीक हेयर है तो आपको कम टाइमिंग रखनी है, थोड़ा आपको लगता है कि कलर है बालों में लेकिन इलास्टिसिटी बालों में है, स्ट्रेंथ है, तो 55 मिनट अकॉर्डिंग रख सकते हो। देन आपको लेजी रिंस करना है, लेजी रिंस मतलब आपको 10% मतलब वाटर लेना है थोड़ा सा बाउल में, और आपको हेयर का जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो सारा निकाल लेना है।
ज्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं निकालना है वरना आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको सिर्फ 10% प्रोडक्ट लेना है। अगर आप कंफ्यूज हो कि कितना प्रोडक्ट निकालना है कितना नहीं, तो आप बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा पानी लेना है बिल्कुल, और बालों में मतलब डाल के ऐसे बालों को अच्छे से निचोड़ देना शैम्पू सेक्शन पर ही, और देन क्लाइंट को शैम्पू चेयर से सर्विस चेयर पर ले आना। फिर आपको फिर दोबारा इल्यूमिनेंडर स्प्रे यूज करना है। ये सीरम आपको वेट हेयर पर ही लगाना है, सेक्शन बाय सेक्शन कॉम करनी है, देन आपको ब्लो ड्रायर करना है 100% मीडियम हीट पे आपको ब्लो ड्रायर करना है, क्योंकि बाल आपको देखना पड़ेगा कि किस हेयर पे आप काम कर रहे हो। बाल पहले से सेंसिटाइज हेयर है तो आपको हीट कम देते हुए चलना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट हो, ज़्यादा हीट की वजह से प्रोडक्ट मतलब बाहर ना उड़े और बालों में ज़्यादा हीट की वजह से फ्रिजनेस ना बढ़े और बाल बन की तरफ ना चला जाए। और गाइस नोवा हमारा है, आपको आयरन करना है 15-20 times थिन सेक्शन पे, मतलब एक सेक्शन लेना है थिन सेक्शन होना चाहिए और 15-20 times आपको उस पर कोटिंग करनी है। आपको बराबर कोटिंग करनी है तब जाके आपका जो रिजल्ट है अच्छा आएगा, क्योंकि तो सारा जो रिजल्ट का गेम भी होती है इसकी वो आयरन पर भी होती है, क्योंकि आयरन जो हम करते हैं वो सिर्फ जस्ट आयरन नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट को अंदर हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका जो रिजल्ट है सबसे ज़्यादा आयरन पर ही टिका होता है। आपकी प्रेसिंग खराब होगी तो सारा रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा। देन मैं प्रेसिंग का टेम्परेचर बता देता हूँ, क्योंकि प्रेसिंग हम मैंने जैसे आपको बताया मैन है, तो ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी आपको ध्यान में रखकर मतलब हेयर को ट्रीट करना है। सेंसिटाइज हेयर है, अब आप बोलोगे W2 ट्रीटमेंट है और कलर ट्रीटेड हेयर पे लगाना है तो सेंसिटाइज ही हो गए, ऐसा नहीं है। आप देखना सारे कलर हेयर मतलब सेंसिटाइज नहीं होते, वीक नहीं होते, कितने बालों पे कलर होता है थोड़े बहुत, वो कहीं ना कहीं उनमें इलास्टिसिटी भी होती है। बाल सेंसिटाइज है, बहुत मतलब खींचते टूट रहा है वीक है, तो आपको 190 से लेके 170 टेम्परेचर रखना है उसका। कलर ट्रीटेड हेयर है लेकिन उसमें इलास्टिसिटी भी है, अच्छे खासी स्ट्रेंथ है, तो आपको 210 से लेकर 200 टेम्परेचर इसका रखना है। और गाइस टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना ही रखना है, और आपको जब आपकी प्रेसिंग आइनिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपको लीव 4-5 minutes 5 minutes वेट करना है। ये नहीं आपने यहाँ प्रेसिंग खत्म करी तुरंत शैम्पू सेक्शन पर ले जाके आपने रिंस कर दिया, गर्म बालों पर आपको वॉश नहीं करना है उनका, 5 minutes वेट करना है। और 11th step आपको रिंस करना है हेयर मोरक्को गोल्डन प्लस मास्क से, ये भी फ्लोर एक्टिव का एक प्रोडक्ट है। आपको ये जो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला प्रोडक्ट होता है, आपको ये यूज करना है और आपको 15 minutes वेट करना है, 15 minutes वेट करना है, देन आपको हेयर को रिंस कर देना है और देन आपको ड्रायर कर देना है, 100% ड्रायर कर देना है। चॉइस है आपकी ब्लो ड्रायर करो ना करो, क्योंकि हेयर अच्छा खासा स्ट्रेट मिल जाता है जब आप, जैसे इसका रिजल्ट इतना अच्छा है ना कि सुखाते सुखाते आपको ऐसा लगेगा कि आपने ब्लो ड्रायर ही करा है हेयर पे, और ये आपका जो ट्रीटमेंट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। W1 की वीडियो नहीं देखी जाके वीडियो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। W1 जो ट्रीटमेंट है वो हम वर्जन पे करते हैं और W2 हम केमिकल ट्रीटेड हेयर पे करते हैं। W1 ट्रीटमेंट के नीचे मेरे पे काफ़ी कमेंट आई थी कि W2 का मतलब बताया कि सर ये कैसे किया जाता है, तो गाइस ये प्रोसेस है आपका W2 करने का कि किस तरीके से आप W2 हेयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि W2 ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कन्फ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट कर देना, कमेंट का आपको रिप्लाई कर दूंगा, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको तो आप मेरे को DM कर सकते हैं Instagram पे। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए गाइस कमेंट करके मुझे जरूर बताना, कोशिश करूंगा इसी वीक में उसी टॉपिक को कवर करने की। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, ओके टेक केयर, बाय बाय।